प्रक्षेपण से लेकर अब तक चंद्रयान 3 ने कई महत्वपूर्ण चरण पूरे कर लिए हैं। अपने अर्थ ऑर्बिट मनोवर्स को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर लिया, जो इस मिशन का एक अहम चरण है। इससे पहले चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की 5 बार परिक्रमा की। इस अवधि के दौरान हर बार जब चंद्रयान 3 पृथ्वी के निकटतम बिंदु, जिसे पेरिजी कहते हैं, पर पहुंचता तो प्रोपल्शन मॉड्यूल में मौजूद थ्रस्टर रॉकेट को फायर करता। बर्न्स कही जाने वाली इस प्रक्रिया से स्पेसक्राफ्ट का पथ यानी ऑर्बिट अंडाकार होने के साथ साथ और विशाल होता गया। अर्थ ऑर्बिट मनोवर्स के दौरान हर बार पेरिजी पर बर्न्स की प्रक्रिया इस तरह से की गई जिससे कि यान की कक्षा पहले से और बड़ी होती गई। इसी कड़ी में 1 अगस्त को चंद्रयान 3 एक बार फिर पेरिजी पर पहुंचा और बर्न्स की प्रक्रिया के दौरान यान को इस तरह से थ्रस्ट किया गया जिससे कि चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। इसी चरण को ट्रांसल्यूनर इंसर्शन यानी कि TLI कहा जाता है। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के वक्त चंद्रयान 3 ने चांद की कुछ तस्वीरें भी भेजी जिन्हें इसरो द्वारा जारी किया गया है। अब चंद्रयान 3 अपने ल्यूनर ऑर्बिट मनूवर्स को इसरो की योजना के अनुसार अंजाम दे रहा है। धीरे धीरे इसकी कक्षा चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ गोलाकार हो जाएगी। एक बार जब कक्षा 100 किलोमीटर गोलाकार हो जाएगी तो लैंडर और रोवर का पूर्व निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद 17 अगस्त को लैंडर रोवर कॉम्बो को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने का आदेश दिया जाएगा। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 23 अगस्त 2023 को लैंडर रोवर कॉम्बो लैंडिंग का प्रयास करेंगे और लैंडर अपने 4 थ्रस्टर का उपयोग करते हुए चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर उतरेगा।